दीपावली पर्व पर देहरादून में आगजनी की 19 घटनाएं सामने आई है, जिसके कारण देहरादून अग्निशमन विभाग रात भर एक्टिव नजर आया। वहीं इस दौरान शहर में दहशत का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि इन घटनाओं में आग का मुख्य कारण आतिशबाजी ही थी। वहीं इन आगजनी की घटनाओं में प्रेमनगर के शॉपिंग स्टोर और श्रीरामपुरम में हार्डवेयर का गोडाउन में सबसे भीषण आग देखने को मिली है, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है और यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है। वहीं CFO VB यादव ने कहा कि दीपावली के मध्य नजर सभी टीमों को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए थे, जिससे देहरादून शहर में सफलतापूर्वक आग पर काबू पाया जा सके। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। रात रात में जो है कुल देहरादून शहर में छोटी बड़ी 19 घटनाएं घटित हुई। इसमें से अधिकतर जो है आतिशबाजी के कारण हुई जो, और दो घटनाओं में संभावना है सार्सकर्फ स्विफ्ट के हुई, क्योंकि जो है एक नंदा चौकी में जो विशाल मेगा मार्ट का स्टोर था उसके सबसे ऊपरी मंजिल पर एक रूम में जो है आग लगी थी, तो पूरी तरह से चारों तरफ से क्लोज था, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। और दूसरा है श्रीरामपुरम में जो है हार्डवेयर का ये गोडाउन था, इसमें जो आग लगी है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ये शॉर्ट सर्किट से हुई। हमारी यूनिटें जगह जगह तैयार थीं जो है, पूरी रात लगभग 3 बजे तो मैं भी घर पहुंचा जो है, और काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा। इसमें 3 फायर टेंडर हमारे रहे और एक जो फायर टेंडर ONGC का था, तो ये सुबह तक सुलगती रही, फिर सुबह एक गाड़ी पुनः हमको भेजनी पड़ी थी।